यार जितने भी लोग होते हैं ना पाकिस्तान इंडिया से जो यहाँ पे यूके में स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी सबसे जो बड़ी ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि भाई कि चीप से चीप यूनिवर्सिटी उनको मिले। और जब वो कंसर्न के पास जाते हैं ना तो कंसर्न सिर्फ उनको वो यूनिवर्सिटीज बताए होते हैं जो उनके पैनल पर होती है। वो उनको यूनिवर्सिटीज बोलते हैं भाई ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, यहाँ पे काम नहीं ठीक, यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका जो है ना यूनिवर्सिटी के साथ टारगेट होता है। तो आपको हमेशा अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जो चीप यूनिवर्सिटी जो मुझे लगती है सबसे ज्यादा वो यूनिवर्सिटी है अपना एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट कॉटलैंड, ठीक है, UWS इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आप देखें ग्लोचेस्टर शेयर यूनिवर्सिटी है। UWS जो है ना उसकी ओवरऑल जो साल की फीस है मास्टर के लिए वो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10,000 पाउंड है, सुपर नहीं है। वैसे तो जब आप वहां पे देखते हैं ना फीस स्ट्रक्चर के अंदर जाके वेबसाइट पे वहां पे 15,000 होती है, लेकिन वो आपको 5,000 स्कॉलरशिप दे देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है ना डिफरेंट सिनारियो डिफरेंट क्राइटेरिया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आपने इतनी फीस यूके की गवर्नमेंट की तरफ से आपने मस्ट करनी करनी है, तो उस लिहाज से वो करके फिर स्कॉलरशिप दे के देते हैं भाई स्कॉलरशिप का नाम लगा कर ताकि फीस कम हो जाए और लोग इस यूनिवर्सिटी में आए। तो मोस्टली जो कंसर्न्स हैं वो ये क्या करते हैं क्योंकि जितना जितनी ज्यादा फीस होगी उतना बड़ा मार्जिन कंसर्न्स को मिलता है। तो कंसर्न्स क्या करते हैं कि उन यूनिवर्सिटी तरफ आपको भेजते हैं जहाँ पे पहली तो बात ये उनका टारगेट होता है कि भाई यहाँ पे इतनी टारगेट आपने देना है, ठीक है, और दूसरा ये है कि जिनकी फीस ज्यादा हो और उनका कमीशन ज्यादा बने, और आपको यही फोर्स कर रहे होते हैं कि भाई कि आप ज्यादा से ज्यादा फीस उनको दे दें ताकि उनका कमीशन बच जाए। उनको उनके भाई आपकी पढ़ाई से आप किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बनाना है तो सिर्फ अपना कमीशन बनाना है। तो इसलिए आप अपनी रिसर्च खुद रखें कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी चीप है, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग आपको बोलेंगे भाई इस जगह पे आप ना हो, यहाँ पे काम नहीं है, इस जगह पे ना हो। मैं आपको बोलता हूँ भाई लंदन साइड पे अगर आते हो ना सोच समझ के आओ, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, हर तरह से डिफरेंट जो है ना कल्चर के लोग वहाँ पे आए हैं, डिफरेंट कंट्रीज से लोग वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे जरा रश बना हुआ है। तो बाकी अगर कहीं भी जगह आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो आप निकल आओ आ जाओ, ठीक है। तो ये ना सोचो भाई वहाँ पे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आए हैं वो भी काम कर रहे हैं, वो नहीं वो रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो भी यूनिवर्सिटी फीस निकाल रहे हैं। UWS के अंदर जो है ना आपको 5,000 डिपॉजिट देके जाना पड़ता है और बाकी रह गया 5,000 ऑलमोस्ट 5,000, ठीक है ना, वो आप साल में या आपके पास कम से कम 14-15 महीने 16 महीने होते हैं उसमें आराम सुकून से वो आप उनकी फीस निकाल लेते हो। जितनी फीस कम होगी उतनी स्ट्रगल आपको कम करनी पड़ेगी, उतनी जल्दी आप अपने कर्जे जो लेके आए वो पूरे कर लोगे, ठीक है। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, बाकी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।